एक जरूरी इंग्रेडिएंट जिसे किसी भी तरह के खाने में डाला जा सकता है और जरूरी भी है, स्वाद के लिए भी और शरीर के लिए भी। मतलब मान के चलिए कोई भी खाना नमक के बिना फीका है, लेकिन जैसे कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लो तो वो हानि ही करेगी, वैसे ही नमक भी इंसान को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग भोजन में कम तो कुछ लोग ज्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक का ज्यादा सेवन भी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। एक इंसान को रोजाना लगभग 2400 मिलीग्राम तक नमक का सेवन करना चाहिए, और अगर कोई इससे ज्यादा नमक खाता है तो ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको भले शुरू में ना पता चले, लेकिन भविष्य में जब आपके शरीर में नमक ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमक के ज्यादा सेवन से कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। नमक हमेशा स्वाद के अनुसार लिमिट में खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से आपके ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है और यही हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट फेल का कारण बन सकता है। लेकिन ये दिक्कत उन लोगों को नहीं होती जो नमक कम खाते हैं। किडनी से जुड़ी बीमारी। अगर आप लंबे समय से ज्यादा नमक खा रहे हैं तो आपको अभी सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आगे चलकर ये आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है, जिससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा आप ऐसी स्थिति का भी सामना कर सकते हैं जिसमें किडनी पानी को छानने की क्षमता खो देती है। ऑस्टियोपोरोसिस। नमक में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए भोजन में सोडियम की ज्यादा मात्रा होने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो ऐसे में कम नमक ही सही है। जानकारी के मुताबिक जब आप ज्यादा नमक से भरपूर खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर से कम मात्रा में कैल्शियम का उत्सर्जन भी कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की समस्या उभरने लगती है। शरीर में सूजन। आपके शरीर में सूजन तब होती है जब अधिक नमक का सेवन करते हैं, क्योंकि ज्यादा नमक शरीर में होने से वाटर रिटेंशन हो जाता है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आपको नमकीन खाना खाने पर तेजी से प्यास लगती है। हालांकि जब कुछ खाने के आइटम को बिना नमक के खाना शुरू करते हैं और साथ ही साथ पानी पीने की मात्रा को बढ़ाते हैं तो शरीर में सूजन दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादा नमक आपके लिए हानिकारक है। भारतीय भोजन में नमक भरपूर होता है क्योंकि यहाँ लोग चटपटा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी चाय में भी नमक डालते हैं। हो सकता है कि जिन चीजों के बारे में हमने आपको बताया है वो अभी आपको महसूस नहीं हो रही हो, लेकिन जागरूक और सतर्क रहना हमेशा जरूरी होता है। हालांकि अपने डाइट में नमक से संबंधित किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।